हेलो सुमन अभिक्रम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका टेक्नोज के एपिसोड 151 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम उसके लिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें पहले अपडेट की, दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली इसका है ना नेक्स्ट अपडेट का यहाँ पर टीजर निकल कर आ चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका ऐसा टीजर है। वैसे इसमें ना दोस्तों आपको नेक्स्ट अपडेट में एक रोस्ट मैप बोल के एक नया फीचर मिलेगा। वैसे ये है दोस्तों फिलहाल टीजर। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली ओप्पो का है ना एक और स्मार्टफोन निकल कर आ चुका है दोस्तों रेनो सीरीज में, ओप्पो रेनो 3A। कुछ दिन पहले दोस्तों ओप्पो रेनो 3 लॉन्च हुआ था और ओप्पो रेनो 3 प्रो भी लॉन्च हुआ नहीं, लेकिन वो चाइना में अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर अभी ओप्पो रेनो 3A भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है दोस्तों। ये ना दोस्तों इंडिया में बहुत जल्द ये लॉन्च होने वाला है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। 6.44 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले होगा दोस्तों इसका, और साथ में इसमें प्रोसेसर है ना दोस्तों प्रोसेसर थोड़ा कम है, स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है। सीरीज के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो ये इसका प्रोसेसर कम है। रेनो 3 सीरीज है लेकिन प्रोसेसर इसका और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है और क्वाड रियर कैमरा होगा 48 MP का प्राइमरी है, और साथ में ऐसा आपको 6GB रैम मिलेगा, 128GB स्टोरेज, 4025 mAh की बैटरी। वैसे देखेंगे सो बहुत जल्द ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है यहाँ पर बताया जा रहा है। लॉन्च डेट वगैरह लॉन्च हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, उसका भी आप इंतजार करना। साथ में दोस्तों ओप्पो की तरफ से एक और खबर आ रही है, दोस्तों ओप्पो A72 भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ओप्पो ना एक पर एक स्मार्टफोन अभी निकालते ही जा रहा है। वैसे ना दोस्तों कुछ दिन पहले ओप्पो A52 A92 निकल कर आ गए थे, अभी यहाँ पर A72 भी निकल कर आ चुका है। वैसे इसमें ना दोस्तों आपको 5000 mAh की बिग बैटरी मिलेगी, 6.5 inches का स्क्रीन मिलेगा, इसमें भी आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलेगा और आपको क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, 48 MP का प्राइमरी होगा और 60 MP का आपको सेल्फी मिलेगी। तो देखेंगे दोस्तों 4GB रैम 128GB स्टोरेज, तो देखेंगे इसकी भी लॉन्च डेट लॉन्च वगैरह निकल कर आएंगे तो आपको जरूर बता दूंगा। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों शाओमी की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों शाओमी की तरफ से यहाँ पर कमाल की खबर आ रही है दोस्तों। फाइनली शाओमी का ना दोस्तों मिजिया स्कूटर 1S एक इलेक्ट्रिक स्कूटर निकल कर आ चुके हैं शाओमी की भी। वैसे शाओमी भी कुछ भी लॉन्च करते रहता है प्रोडक्ट्स में ना, शाओमी को इलेक्ट्रिक में थोड़ा अच्छा इंटरेस्टेड होगा स्मार्टफोन को छोड़ के। वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, अगर आप इस स्कूटर को एक बार फुल चार्जिंग करेंगे ना तो 30 किलोमीटर चलेगी और एक घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी। वैसे इसमें ना दोस्तों 12 से 100 केजी तक ये लोड उठा सकती है ये शाओमी की इलेक्ट्रिक स्कूटर। वैसे आप देख सकते हैं इसका नाम है दोस्तों शाओमी मिजिया स्कूटर 1S, तो देखेंगे ये भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। फिलहाल ये चाइना में सबसे पहले लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है। देखेंगे दोस्तों इंडिया में आएगी नहीं आएगी वो तो कंफर्म नहीं, अगर आएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है इंडिया में आने के लिए। आएगी तो बता दूंगा। इसका प्राइस ना दोस्तों 21,000 से 22,000 rupees के आसपास है, आप एक्साइटेड हैं क्या इसके लिए जरा नीचे कमेंट्स में बता ही देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों से सैमसंग की ये भी खबर है ना एकदम कमाल की होने वाली है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सैमसंग कह रहा है आगे हम फ्यूचर में 600 MP वाले कैमरे वाला फोन भी लेकर आने वाले हैं। सैमसंग काम तो कर रहा होगा, वो तो कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो सैमसंग को ही मालूम, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर कह दिया दोस्तों 600 MP सेंसर, इतना बड़ा सेंसर दोस्तों, मतलब बहुत ही बड़ा सेंसर होगा, कमाल का होगा, आप इसकी उम्मीद मत रखना दोस्तों। क्योंकि ना इसका ये 600 MP कैमरे वाले स्मार्टफोन आने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, 2025 या 27 तक भी जा सकते हैं। वैसे आप 2 मिनट के लिए आपका दिल खुश हो गया दोस्तों, थोड़ा नीचे कमेंट्स में बता ही देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों व्हाट्सएप में ग्रुप्स में वीडियो कॉलिंग आप करते हैं बहुत लोग, इसमें कुछ दिन पहले ये फीचर आया है, ये फीचर जूम ने जो धोखा दिया ना उसके बाद ये व्हाट्सएप में ग्रुप्स वीडियो कॉलिंग फीचर आया था, लेकिन आप 4 लोगों को सेलेक्ट करके वीडियो कॉलिंग कर सकते थे ग्रुप्स में। वैसे ना उसने यहाँ पर व्हाट्सएप ने कह दिया है हम इसकी लिमिट बढ़ा देंगे और हम इस पर काम भी कर रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ पर 8 लोगों को आप सेलेक्ट करके वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, 4 से 8 कर सकते हैं, पहले तो 4 था अभी 8 कर सकते हैं। वैसे ना उसने अभी फिलहाल बीटा में है और टेस्टिंग चालू है, बहुत जल्द ये सब तरफ मतलब पूरा ऑफिशियल हो जाएगा
और भी चलो जाने के बाद एक और बार मैं आपको जरूर बता दूंगा, उसका भी आप इंतजार करना। दोस्तों अगर बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों वैसे आप जानते हैं Redmi K30 को, K30 K30 Pro जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी Redmi K40 भी निकल कर आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है Redmi का K40। ये ना सो सबसे पहले चाइना में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हमको पोको सीरीज में यही स्मार्टफोन रीब्रांड होकर इंडिया में मिल सकता है। वैसे आएगा तो आपको जरूर बता दूंगा। इसमें अनाउंसमेंट बताया जा रहा है MediaTek का प्रोसेसर होगा, MediaTek Dimensity 1000 वाला होगा शायद, और इसमें 5G भी होगा। वैसे आप एक्साइटेड हैं क्या, जरा नीचे कमेंट्स में बता ही देना। तो आज के टेक न्यूज़ नंबर के तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा। मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।